डियर स्टूडेंट्स, 10 नए टॉपिक्स आज के हम लोग फिर करने जा रहे हैं। ये एक नई चुनौती आज आने वाले 24 घंटे के लिए आपको फिर से मिलेगा। इसमें से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। आज हम लोग 3 टॉपिक्स रिवीजन के कर रहे हैं, तो ओनली 7 टॉपिक्स हम कहेंगे। 7 टॉपिक्स ही आपको नए मिल रहे हैं। इसमें कुछ बड़े अच्छे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आज हम लोग गुप्ता पीरियड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज हम लोग गुप्ता पीरियड भी करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ रूलर्स करेंगे। गुप्ता पीरियड्स के श्रीगुप्त से लेकर के स्कंद गुप्त तक जो कुछ बड़े महत्वपूर्ण गुप्तकालीन शासक हैं, आज केवल गुप्तकालीन शासक करेंगे। और इनके जो दूसरे जो शासन है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, उसे कल के टॉपिक में करेंगे। बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसे 2 टॉपिक में बांट दिया है। गुप्ता को आज हम लोग सिर्फ रूलर्स जो हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसे ही हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के 10 नए टॉपिक्स कौन से हैं। पहला टॉपिक, जैसा कि हमने कहा कि गुप्तकाल हमने लिया है, ये पेजेस आपको दिए जा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपको रूलर्स करने हैं, ये आप ध्यान रखें। आप उनके शासन व्यवस्था को आज नहीं करेंगे। सिर्फ श्रीगुप्त से लेकर स्कंद गुप्त तक आप रूलर्स के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उन्हें करें। साथ में ये देखें कि इन्होंने क्या क्या कुछ नई बातें की हैं, इनके समय क्या नए घटनाक्रम सामने आए। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया के स्रोत। देखिए आज हम लोगों ने, कल हम लोगों ने सिंध पर अरब आक्रमण, गजनी और गोरी, ये 3 टॉपिक जो था वो हमने किया। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में दरअसल ओरिजिनली इसमें इंटर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत आज हम लोग करेंगे। लेकिन दिल्ली सल्तनत में इंटर करने के लिए, दिल्ली में इंटर करने के लिए, उससे पहले उसके इंटर करने के रास्ते को समझ लेते हैं, यानी स्रोत। आज हम लोग सोर्सेस करेंगे, दिल्ली सल्तनत के सोर्सेस कर रहे हैं। ये सोर्सेस क्या हैं, आइए देखते हैं। ये सोर्सेस हैं दरअसल इस वक्त के जो महत्वपूर्ण लेखक हैं सल्तनतकालीन, ये आते रहते हैं। देखिए इसमें आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं। इसमें देखिए अलबरूनी का आ जाता है, तहकीक हिंद, हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, मिनहाज, तबकात नासरी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, फिरोज़ तुगलक, इसामी, ये सब आपको इनके जो रचनाएं हैं उन्हें करना। जैसे तबकात नासरी, ताजुल मासिर, तहकीक हिंद, है ना, फुतुहुस सलातीन, ये सब शब्द हैं, ये सब नाम हैं, आते हैं। दूसरी बात, यहीं पर क्राउन में आप देखेंगे तो बगल में ही विदेशी यात्रियों का विवरण दिया हुआ है, यानी इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, ये सब मध्यकालीन जो स्रोत हैं और विदेशी यात्री हैं, ये एक क्वेश्चन आपके बना देंगे एग्जाम में। तो इन दोनों को आपको करना है, ये आप ध्यान रखें। यानी दिल्ली सल्तनत के स्रोत और उस समय विजयनगर और दिल्ली सल्तनत काल में जो विदेशी यात्री आए, इब्न बतूता, तो ये सब आप करेंगे कि ये कहां से आए, इन्होंने कौन सी कोई रचनाएं तो नहीं की। आम तौर पर निकोलो कोंटी तो पूछ देता है कि किस, कहां से आया, कौन सा ये यूरोपीय यात्री था, तो ये आप करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली सल्तनत से पहले के स्रोतों के संबंध में। कल हम लोग इंटर करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक या गुलाम वंश, आज स्रोत करें। लेकिन ध्यान रखें कि ये यूनिक में तो ठीक ठाक दिया हुआ है, लूसेंट में दूसरे संदर्भ में दिया हुआ है। लूसेंट में आपको करना है प्रशासन, कौन कौन सा विभाग, लूसेंट में ये नहीं है। स्रोत इस ढंग से लूसेंट में नहीं है, दूसरे संदर्भ में है। आज जिनका लूसेंट है वो करेंगे शासन, कौन कौन से विभाग स्थापित हुए, उसमें कौन कौन सी इसकी विशेषताएं थी, वो हम पेज नंबर दे रहे हैं। तो लूसेंट वाले स्रोत नहीं, बल्कि उनके शासन के विभाग कौन कौन से नए स्थापित हुए सल्तनत काल में, तो ये आप करेंगे, ये दिए जा रहे हैं। और यूनिक में अगेन स्रोत रहेगा, वो भी करेंगे। आज का तीसरा टॉपिक सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से करें, चूँकि इसमें बहुत सारा फैक्ट है, याद भी करने वाला है, कहें कि रिवाइज करने वाला है। जितने ग्रह उपग्रह या एस्टेरॉइड्स हैं, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर लेना है। ये समझना है कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं, किसके मैक्सिमम उपग्रह हैं, कौन सा ग्रह किस नाम से जाना जाता है, किस पर कौन सा गैस, क्या कुछ इसमें लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कौन है, क्यों लाल है, ये सब डिटेल्स आप लेने का प्रयास करेंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट होगा। इंडियन ज्योग्राफी में जो आज हमने टॉपिक लिया है, यानी ज्योग्राफी का सेकंड टॉपिक, वो प्रायद्वीपीय पठार को सस्टेन किया है। कल हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटो किया था। फिजिकल ज्योग्राफी में ये भारत का हिमालय के बाद
ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। कल हम लोगों ने इसे लिया था, आज फिर इसे रिवाइज करेंगे। अगर कल जिन्होंने नहीं इसे किया है वो आज इसे ज़रूर कर लें। तो ये रिपीटेड टॉपिक है कल का जो आज हमने किया है। इसमें सारा का सारा जो दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का पठार, विंध्याचल, ये सारे डिटेल्स, डोडा बेटा किसकी चोटी है, प्रायद्वीपीय पठार जो भी सह्याद्री है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये डिटेल्स हाईलैंड्स आप करेंगे इस टॉपिक में। तो यहाँ पेजेस नंबर आपको दिए जा रहे हैं, ये आप देख लें। इस पेनिनसुलर प्लेटो को और उसके सभी हाईलैंड्स को, उसके शिखर को, टॉप को आप साथ में करेंगे, इंपॉर्टेंट है, हमने रिपीट किया है। पांचवा टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति। ये आप नेचर ऑफ मैटर आज साइंस में, केमिस्ट्री में पहला ही टॉपिक कहा जाएगा ये है, जिसमें आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर इसमें करेंगे। साथ ही ये मिक्सचर किसे हम मिक्सचर करेंगे, मिट्टी किस तरह का मिक्सचर, क्या ये मिक्सचर है या यौगिक है, हवा यौगिक है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, तो इस तरह के डिफरेंसेस एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ देता है कि इसमें से कौन मिक्सचर है, कौन यौगिक है, कौन तत्व है, एलिमेंट है। तो ये डिफरेंस बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, इसे कर लेंगे। साथ ही जो मिश्रण है उसे हम कैसे अलग करते हैं, मिश्रणों का पृथक्करण, तो यौगिकों का पृथक्करण, मिश्रण का पृथक्करण, यानी ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये भी करेंगे कि किस तरह से ऊर्ध्वपातन के द्वारा, किस तरह से डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, तो ये सब हम कैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, अगर दो या दो से अधिक मिक्सचर है तो उसे कैसे अलग करेंगे, पृथक्करण, तो ये आप साथ में पढ़ेंगे। छठा टॉपिक देखिए, इसमें परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का है, बायोलॉजी का टॉपिक छठा नंबर। इसमें हम ब्लड पढ़ेंगे। आप ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ आप ब्लड करेंगे, इसमें ब्लड ग्रुप नहीं करना है, या ब्लड ग्रुप के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं करना है, वो हम लोग कल करेंगे। आज सिर्फ आप ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो अलग अलग सारे जो फैक्टर्स हैं वो करेंगे। साइंस में ये आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लड ग्रुप नहीं करना है। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पॉलिटी में छठा टॉपिक है, ये संसद में लोकसभा हम लोग कर रहे हैं, संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम शुरू में हमने ये टॉपिक किया था, फिर से अब काफ़ी समय बीता है तो ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में लोकसभा आप करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा किस तरह से फंक्शन करती है, क्या क्या होता है, इस तरह से डिटेल्स आप आज लोकसभा में लेंगे। पेज नंबर दिए जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण, इंडियन इकोनॉमी में आज हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये हम लोगों ने लिया है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, सोशलिस्ट है या फिर कोई और है, तो ये डिटेल्स करेंगे। यूनिक में ये नहीं दिया हुआ है, यूनिक वाले अगर लुसेंट अकाउंट नहीं है तो किसी दूसरे सोर्स से इसे कर लें। इसमें लुसेंट अकाउंट में ठीक ठाक दिया हुआ है, शॉर्ट में है, बिल्कुल शॉर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को आपको इसमें समझना है इकोनॉमी में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का नाइन्थ टॉपिक है ज्योग्राफी, जीके का, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कप एंड ट्रॉफीज हैं, रंगास्वामी कप पूछ देता है, तो इस तरह का हेमन कप, ये क्या है, तो ये सब आप कप एंड ट्रॉफीज बड़े बड़े जो हैं ये सब आपको इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है बिहार में अंग्रेजी शासन, बिहार में अंग्रेजी शासन का मतलब क्या, ये तो बिहार के स्पेशल में मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, ये बिहार का स्पेशल टॉपिक है, इसे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं जो हमने कल लिया था, ये कल हम लोगों ने लिया था, आज फिर हम इसे रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको आदिवासी जो विद्रोह है उसे भी पढ़ना है, मुंडा, संथाल, ये सारे जो विद्रोह हैं, होस, ये सब आप इसमें करेंगे। साथ ही बिहार में किस तरह से यूरोपियंस आए, पुर्तगाली सबसे पहले आए, ब्रिटिश आए तो कहाँ पे कोठियाँ स्थापित की, क्या व्यापार करते थे, ये दिया हुआ है क्राउन में, तो स्पेशलाइज्ड है। अब लुसेंट का भी बिहार आता है, दूसरे भी के बी सी नैनो का भी आता है, आप बिहार का कोई भी स्पेशल बुक से इस टॉपिक को आप करेंगे। तो यहाँ पर क्राउन का पेज नंबर दिया जा रहा है, चूँकि क्राउन आप सबों के पास है उम्मीद करते हैं। पदार्थों के रासायनिक सूत्र 11 नंबर टॉपिक है, इसको भी हमने सस्टेन किया है, कंटिन्यू किया। इसमें आपको हमने कहा था कि सिंदूर, दुबिया सोडा, हरा कसीस, नीला तोता, ये सब जो है आप करेंगे, जिप्सम, तो ये सब इसमें रासायनिक सूत्र आपको फिर से करना है, चूँकि याद करने वाला है, तो इस टॉपिक को फिर से हमने 11 नंबर को रिपीट किया है। 12वां टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण इंटरेस्टिंगली हमने एक साल से
पीछे से शुरू किया है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हमने इसको, इस टॉपिक को बिल्कुल स्लोली हम कह रहे हैं कि बिल्कुल हाफ हार्टेडली भी आप कर लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर एक बार देखा हुआ रहेगा। इसमें आर्थिक परिदृश्य हम लोग कर रहे हैं, इकोनॉमी वाला सेक्शन। अब देखिए इसमें वित्त आयोग के संदर्भ में दिया हुआ है, उसके बाद भारत का विदेशी व्यापार जो अभी हम लोगों ने पिछले दिनों टॉपिक किया था, ये करंट के संदर्भ में आपको करना चाहिए। भारत की विदेश नीति किस तरह से नई वाली जो बनी है वो इसमें दिया हुआ है, तो ये सब है आप करें। WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये भी हुआ है, तो ये सब आपको समझना चाहिए। यहीं पर आज का रहेगा ये सारा टॉपिक, और आपको नई चुनौतियां देगा कि इसे कंप्लीट करना है। अपना ध्यान रखें, कोशिश करें कि ये सारा कंप्लीट हो जाए जहां तक संभव हो। 3 तो इसमें रिविजन के टॉपिक्स हैं। टेक केयर।